श्री निर्मल जी को प्रश्न दिल्ली से आयो है कि महाराज जी, अब उपासना करते करते शरीर थकने लगा है, इसकी मुक्ति कैसे होए और दुख दूर कैसे होंगे? देखिए निर्मल जी, हमारे आचार्य ने कही है, आवत जात जन्म जुग बीता, कब दऊ मिले मनोहर मीता, मजली मजली चली चल दुख पायो, घर आए सब श्रम बिसरायो, लर लर मर मर अंत न पायो, राजस तामस बहुत बढ़ायो, दुगुन त्रिगुन समदम कर भाई, बड़े प्रीत पर तीत समाई। रसिकाचार्यों ने कहा है कि कोई 10 मंजिला इमारत हो तो 10 मंजिला इमारत में जब चढ़ा जाता है ना सीढ़ियों पे, पहले तो अब रसिकाचार्यों ने कहा है उस समय का कहा है जब लिफ्ट एलिवेटर नहीं होते थे कि बटन दबाया और चले गए, पहले तो सीढ़ियों से चढ़ना होता था। तो सीढ़ियों से जब चढ़ना होता है तो क्या होता है कि जितना चढ़ते रहोगे ना उतना आप थकते रहोगे। सो यह आप उपासना और भजन कर रहे हो और करने के बाद भी अभी थकावट आनी शरीर में शुरू हो चुकी है, मन के अंदर थकावट आनी शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मंजिल आपके पास है। तो बोले आवत जात जन्म जुग बीता, बहुत सारे हमने जन्म लिए हैं और उन जन्म लेने के बाद कब धऊ मिले मनोहर मीता। आज यह चिंता आज तक पहले नहीं हुई थी कि मेरे प्रभु भगवान श्री राधा रमन आपको कब मिलेंगे, परंतु अब आपको होने लगी है। क्यों? क्योंकि मंजिल मंजिल चली चली दुख पायो, घर आए सब श्रम बिसरायो। बोले जैसे मंजिल धीरे धीरे चढ़ने लगे तो श्रम बढ़ने लगा, थकावट होने लगी। थकावट होते होते परंतु वह थकावट उसी समय चली जाएगी जिस समय आपकी अपनी मंजिल आ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपनी मंजिल का इंतजार करिए और उस श्रम को, अपने साधन को, भक्ति साधन को करते रहिए। आप यह करते रहेंगे और करते करते आप अपने नित्य धाम वृंदावन में बड़े प्रेम से पहुंच जाएंगे। पर यह आपके लिए तो नहीं कहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि चल तो रहे हैं, चलते चलते अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग लोग मिल जाते हैं, तो अलग अलग लोग मिल गए तो उन लोगों के संग कहीं सतोगुण का व्यवहार, कहीं रजोगुण का व्यवहार और कहीं तमोगुण का व्यवहार हो जाता है। तो इसी के लिए कहा लर लर मर मर अंत ना पायो। बोले कई बार लड़ाई मराई में लड़ने लगे, आपस में मरने मारने लगे और राजस तामस बहुत बढ़ायो। ऐसा हो गया कि बहुत राजस और तामस बढ़ गया, तो जिसके कारण फिर से लौट के पहली मंजिल पे आ गए। तो ऐसा निवेदन रखूंगा मैं आपसे और बाकी के सब श्रोताओं से कि राजस और तामस को ज़्यादा ना बढ़ाएं और ना बढ़ाते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करें कि यही आपका जीवन जो है, यही योनि जो आपको अभी प्राप्त हुई है, यह आपकी अंतिम योनि बने और आप इसी योनि में ही अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाएं जहां आपके ठाकुर विराजित हैं और अपने ठाकुर के दर्शन पाकर आप अपना जीवन को धन्य बना लें। राधे राधे।